आज की हमारी कहानी है बीवी की बेशर्म बहन। सूरज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीपिका किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीपिका का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। सूरज ने फोन देखा तो उस पर आरोही कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दीपिका की आवाज़ किचन से आई, दीपिका संकेत मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है? सूरज आरोही का है। दीपिका तो उठाओ तो देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन सूरज ने आरोही का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से आरोही का कॉल आने लगा। सूरज ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर दीपिका के पास गया। सूरज लो तुम ही बात कर लो ना। दीपिका तुम भी सूरज हद करते हो। आरोही तुम्हारी साली है। तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीपिका ने फोन उठाया। आरोही ओए कहाँ थी तू इतनी देर से? फोन क्यों नहीं उठाया? सुबह सुबह ही जीजा जी से रोमांस कर रही थी क्या? दीपिका अरे यार शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजा जी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना? आरोही सही है। सुन मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। दीपिका सच? सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आज बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। आरोही दीपिका की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज़्यादा थी। दीपिका ने आरोही के आने की बात खुशी खुशी सूरज को बताई तो उसका मुंह उतर गया। सूरज कब आ रही है वो? दीपिका परसों की फ्लाइट है उसकी। सूरज परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? सूरज ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर दीपिका ने उससे कहा, दीपिका क्या बात है आरोही के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजा जी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं और तुम हो एक जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। सूरज नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? सूरज आरोही के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे आरोही के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। सूरज दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वह स्टेज पर खड़ा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। आरोही वाह जीजा जी आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जीजा जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। आरोही की बात सुनकर सूरज उसे घूरने लगा तो आरोही ने हंसते हुए कहा, आरोही क्या बात है ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? सूरज तब भी आरोही को घूर रहा था। तभी आरोही जोर से खिलखिलाते हुए बोली, आरोही अरे जीजा जी आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं आपकी आधी घरवाली साली हूँ। आरोही नाम है मेरा। बरमाला के स्टेज पर यही थी आरोही के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल सूरज और दीपिका की शादी हो गई। जब वो दीपिका को विदा करके ले जाने लगा तो आरोही उसके पास आई और उसके कानों में कहा, आरोही क्यों जीजा जी रात को तो सोने दोगे ना दीपिका को या पूरी रात? आरोही की बात सुनकर सूरज झेप गया। उस मुलाकात में सूरज के मन में आरोही की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन 2-3 बार फोन पे बात हुई थी। तो आरोही क्यों जीजा जी अरे कभी आप भी फोन कर लिया करो।
अपनी प्यारी और हॉट साली को। सूरज, जी जी करूँगा। आरोही, कब? रात को। पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर खिलखिलाकर हंसती है। सूरज उस दिन ऑफिस में भी अब्सेंट रहा। खैर, आरोही के आने का दिन आ गया। सूरज, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट आरोही को लाने के लिए। दीपिका, अरे सूरज, दिख नहीं रहा है कितना काम पड़ा है घर पर? अगर तुम्हारे साथ आऊँगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूँगी। उदास मन से सूरज एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुँचा तो आरोही की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही सूरज वहाँ पहुँचा, उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। सूरज का दिल जोरों से धड़कने लगा। आरोही, क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप, कहाँ रह गए थे? आप 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है, और आप हैं कि अब आ रहे हैं? सूरज, वो ट्रैफिक में फंस गया था। आरोही, अरे कभी हमारे निगाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर आरोही फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से सूरज के गले लग गई। सूरज चुपचाप खड़ा आरोही को देखता रहा। आरोही, क्यों जीजा जी, इसी तरह चिपके रहना है या घर पर भी चलना है? सूरज की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद आरोही और सूरज कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचते। घर पहुंचकर आरोही ने जैसे ही दीपिका को देखा तो आरोही, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू, लगता है जीजा जी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। दीपिका, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। आरोही, क्या दीपिका, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या ज़रूरत, क्यों जीजा जी? ये कहकर आरोही ने सूरज की ओर देखकर आंख मार दी। सूरज इधर उधर देखने लगा। आरोही को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार सूरज को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो दीपिका को बता दे। 2 दिन पहले की बात है, दीपिका घर पर नहीं थी। आरोही बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। आरोही, जीजा जी, जीजा जी, अरे जीजा जी, जल्दी आइए, मुझे बचाइए। सूरज उस समय बहुत ही ज़रूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही आरोही के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, सूरज, ये तो आरोही की आवाज़ है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। आरोही अब भी चिल्ला रही थी। आरोही, जीजा जी, बचाइए, बचाइए। आरोही ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से सूरज के गले लग गई। सूरज, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? आरोही, जीजा जी, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। सूरज, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? आरोही, वो मुझे पता नहीं, शायद
मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार सूरज को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। सूरज, डिंपल देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दीपिका को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचोगी? अरोही, दीपिका को बोलेगा कौन? जीजाजी। अरोही ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। सूरज वहां से चला गया, लेकिन अरोहिन की इन सब हरकतों के कारण सूरज बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दीपिका ने उससे इसका कारण पूछा तो सूरज, दीपिका, आरोही का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। दीपिका, अरे सूरज तुम भी ना, अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है, उसकी बातों पर इस तरह टेंशन हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई हो गई। सूरज भी दीपिका की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया, लेकिन उस रात की घटना ने सूरज की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से दीपिका की बहुत तबीयत खराब चल रही थी। उस रात दीपिका को दावा देकर सूरज गैलरी में टहल रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी आरोही वहां आ गई। आरोही, क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? सूरज, हाँ थोड़ा सिर में दर्द है। आरोही, अरे तुम मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। सूरज, अरे नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आरोही कहाँ मानने वाली थी, वो बाम की शीशी ले आई और सूरज को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह सूरज के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें सूरज के ऊपर छोड़ रही थी। सूरज को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो सूरज का गुस्सा फूट पड़ा। सूरज, इनफ आरोही, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये सब मुझे पसंद नहीं है। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है पिछले कई दिनों से, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। हर वक्त सोचता हूँ कि दीपिका जल्दी से ठीक हो जाए और तुम हो कि सूरज ने इतनी जोर से यह सब कहा कि दीपिका बाहर आ गई। सूरज, अरे दीपिका तुम क्यों बाहर आ गई? दीपिका, आई एम सॉरी सूरज, तुमने मुझे पहले भी बोला था लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। आरोही, सूरज सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी। आरोही, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि आरोही को भी अब
अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफ़ी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।